go get the measure looker as well. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान के हालात के ऊपर राणा अब्दुल रजाक साहब बहुत अच्छा लिख दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरान खान साहब कल चलते फिरते लंगड़े लंगड़ाते हुए पहुंच गए कमरे में, तो क्या देख रहे हैं आने वाले हालात में? पाकिस्तान का डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट करते हैं तो क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो मुखलिस हैं पाकिस्तान से, उनकी कोशिशें बाहर आएंगी। ये जो डाकू कंपनी और ये जो टोला है सियासी, जिनके हाथ में पाकिस्तान की डोर है इस वक्त, ये नामो नाकामो नामराद रहेगा। इनकी नीतों में फतूर है और ये लोग मुल्क दुश्मन हैं, वतन फरोश लोग हैं ये। इसलिए सदर साहब ने सही फैसला किया है, यकीनन आवाम की उमंगें बाहर आएंगी और एक दिन पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी, वजीर दफा ने करार कर लिया कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। कल भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने खुल के इजहार तो नहीं किया, तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा? उसके पास तो हालात ही नहीं ऐसे। पाकिस्तान जब तरक्की करेगा, जबकि उसके पास कोई जहीन और ईमानदार लीडर आएगा, बेईमानों की छुट्टी करा दी जाएगी। तो कल ईमानदार लीडर अदालत में पेश तो हुआ है, बड़े बहाने लगाए तो, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जज ही उसके घर चले जाते, मजबूर कर दिया उन्होंने अदलिया को कि आप बैठे रहे, मेरा इंतजार करें। हाँ तो क्यों बहाने तो लगाने थे, जबकि उसको डर है कि लोग उसको कत्ल कराने के, जरदारी कत्ल कराने के दर पे है। उन्होंने हर जगह नाके लगा रखे हैं, दहशत गर्द फैला रखे हैं, तो क्यों जाता वो अदालत में? उतने अपने डिफेंस करके जाना था ना, तहफ्फुज़ के साथ जाना था। वो इनका नौकर तो नहीं है, वो इमरान खान है, वो मुल्क का मालिक है फ्यूचर का। वो अपनी मर्जी से जाएगा अदालत में, अदालतें घरों में हमजा को छोड़ सकती हैं, मरियम को छोड़ सकती हैं, घर में बैठे को जमानत ले सकती हैं, तो इमरान की जमानत नहीं ले सकती। लीडर को दिलेर बनना चाहिए। और लीडर दिलेर है मगर पागल तो नहीं है ना, चल पड़े और रास्ते में दहशतगर्द मार दें उसे। तो उसमें बहुत सारे लोग तो शहीद हो भी जाते हैं राय हक में, और हम उसको शहीद नहीं ना करना चाहते। बेनजीर शहीद कराई नहीं, यहाँ कितना खसारा हुआ मुल्क को। आप सब लोग जो है इमाम हुसैन को मरवा कर यजीद के साथ हो जाएंगे, और ये सारे पाकिस्तानी ये यजीदी ज़हन रखते हैं ये लोग। तो बरल अब देखें तो सदर साहब को क्या सोची है, उन्होंने क्यों खत लिख दिया कि जी तुसी इलेक्शन करवाओ? उसकी ड्यूटी थी, उसके सदर का ये कानून है कि वो उसके कंसल्ट करे इलेक्शन कमीशन के साथ। अगर वो ना बात माने तो खुद उसके तारीख का ऐलान कर दे। उसने जायज किया है, जो किया है जायज किया, तो लेकिन गवर्नर और या दूसरी इंतजामिया वो किस लिए बैठी है इलेक्शन कमीशन? गवर्नर ने जवाब दिया है, गवर्नरों ने जवाब दिया है तारीख देने से, इसलिए उनको सैक कर दिया जाएगा अनकरीब। तो बरल क्या हालात देख रहे हैं? आज एक नई ताजी खबर आई है कि परवेज अलाई को भी क्या कि तू भी पीछे हट जा, उनको भी कह दिया कि काफ लीग हमारी है, आपने नाम भी नहीं लेना। कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये सियासत में सुबह शाम होती रहती है। आप पाकिस्तान का फ्यूचर में बेहतर देख रहा हूँ, और इलेक्शन हो रहे हैं अप्रैल में इंशाल्लाह, इमरान खान आ रहा है, ये सारे डाकू भाग जाएंगे, बदनीते हैं जो मुल्क के दुश्मन हैं। तो इधर से वो कौमी असेंबली में इस्तीफा दिए बैठे हैं, इधर से वो कहते हैं इंतखाबात कराएं, तो आप क्या सोच रहे हैं? इन्होंने असेंबली तोड़ के पछता रहे हैं दोनों असेंबली? बिल्कुल नहीं पछता रहे, बिल्कुल नहीं पछता रहे, उनको इलेक्शन मतलूब है और इलेक्शन आ रहा है, इसके बाद कौमी असेंबली में अदम इतमाद आएगी और कौमी असेंबली का भी इलेक्शन उसके बाद हो जाएगा। घबराएं मत, स्टेप बाय स्टेप इमरान खान की हुकूमत आने वाली है दो तिहाई अक्सरियत से। तो एक और छोटी सी बात पे तबसरा करें, क्योंकि जग हसाई हो रही है पाकिस्तान में, इंडिया खासतौर पे जो हमारे शर पसंद है वहाँ हमारी अकलीतें महफूज नहीं है, और बिलखसूस एमपीए कम्युनिटी और इंडिया जो जग हसाई कर रहा है कि देखें आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे थे, अपना हाल देख लें, मस्जिद के मनारे तोड़े जा रहे हैं, नाम कहते हैं कि चेंज करें, अपना नाम भी नहीं रखने दे रहे, तो पाकिस्तान का मुआशरा किधर को जा रहा है? पाकिस्तान का जो मुआशरा है ये गंदगी की तरफ जा रहा है, खसूसन उलमाए सू का बेड़ा गर्क हो चुका है, वहाँ गे मैरिज का कानून बन गया है, और ये सारे
पाकिस्तान की जो कौम है लूती शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, और ये जमात अहमदिया को जो मजलूम जमात है जो इनके आगे हाथ नहीं उठाती और कोई इंतकाम नहीं लेती, उसको जुल्म का निशाना बना रहे हैं। ये शिया की तरफ क्यों नहीं जाते? शिया तो आगे से नैले को दैला टक्कर जाता है, इसलिए नहीं जाते उस तरफ। और ये पाकिस्तान कम्युनिटी जो है, पाकिस्तानी अहमदिया कम्युनिटी पे जो जुल्म हो रहा है, ये इनके लिए अजाब का होगा मूजब, और इन पर अजाब आ रहा है भूख का, नंग का, जुल्म का, रिश्वत का, ये अल्लाह ताला की अजाब आ रहा है। ये अहमदिया कम्युनिटी की दुआओं से इनका बेड़ा गर्क होगा। नहीं तो फिर इंडिया के ऊपर, इंडिया इसका मतलब सही हंस रहा है कि आप? हाँ तो सही हंस रहा है ना, दुश्मन तो मजाक किया करते हैं ना, दुश्मन तो दुश्मन होता है, इंडिया इनका दुश्मन है, वो तो मजाक उड़ाएगा। इन लोगों को तमीज से और इन इखलाक से, इंसानियत से इनको काम लेना चाहिए। ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये तो बदतमीज बद किरदार लोग हैं। ये लोग जो मस्जिदें गिरा रहे हैं, कब्रें गिरा रहे हैं, मुर्दों को मार रहे हैं, जिंदों को नहीं, आगे जिंदों के आगे नहीं भाग जाते हैं ये लोग। इमरान के आगे खड़े हो ना, तब भीगी बिल्ली भी बने खड़े हैं इमरान खान के आगे। इमरान ने भी अपनी दौरे हुकूमत में कोई ऐसे कानून तो ना बनाए कि जहां अकलीतों को हिफाजत मिले, तो अब क्या सोच रहेगा इमरान के आजकल के जो हालात देख के, जब वो आएंगे तो कोई ऐसे कानून लेके आ सकेगा? हाँ बिल्कुल लेके आएगा वो कानून, मगर उसको वक्त तो मिले, फुर्सत तो मिले। उसके इर्द गिर्द जो है ना, ये खोटे सिक्के इकट्ठे हुए हैं, ये इनसे भी जान छुड़ाएगा तो फिर आएगी कोई मुल्क में अमन आएगा। मुल्क में अमन तभी आ सकता है जब ये बदनीतों को पास ना आने दे, पास ना खटकने दे। ये सारे लोग जो वतन फरोश हैं, इनका कला कमा करना चाहिए इमरान खान को फ्यूचर में भी। ये बताइएगा कि अहमदिया कम्युनिटी के मुतल्लक इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, इंडिया भी, बीबीसी भी, वॉइस ऑफ दूसरे भी बोल रहे हैं, हल्का सा कल डॉन न्यूज ने खबर दी है, डॉन पुराम ने जो डॉन न्यूज है, तो क्या देखते हैं कि आया किरदार अदा कर रहा है मीडिया वहाँ का, या वहाँ के लोग किसी की हक की आवाज के साथ मिलने के लिए? पाकिस्तानी जो मीडिया है ये तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। ये लिफाफी मीडिया है, ये पैसे खाते हैं और खबर को छुपाते हैं। ये इमरान के वक्त में जब थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ा था तो इन लोगों के तबसरे आने शुरू हो गए थे। अब 300-272 रुपए पेट्रोल हो गया, अब वो लिफाफी बोलते भी नहीं है। ये बेजमीर मुआशरा है, जैसे इसमें बेजमीर जज हैं, बेजमीर जनरल हैं, बेजमीर सदर हैं, इसी तरह ये लिफाफी मीडिया भी बेजमीर है, इसी तरह उलमाए सू भी बेजमीर हैं जी। ये जो सारे ये बर्दा फरोश और ये लोग हैं, ये सारे उलमाए सू का कच्चा चट्टा है। ये जो लबैक वाले हैं लौंडेबाज, ये सारे दोनों गुनाहगार हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, कुरान फरोश हैं, इस्लाम फरोश हैं। ये लोग बदतमीज हैं, मुसलमान भी नहीं है, बेनमाज हैं, मुसलमानों का नाम यूज करते हैं ये लोग। इनकी शक्लें देखें, दाढ़ियों समेत गुनाहगार हैं ये बदतमीज लोग। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे राणा अब्दुल रज़ाक खान साहब, पाकिस्तान के मजमूई हालात के ऊपर रोशनी डाल रहे थे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नसीहत को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, शुक्रिया।